नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ वंशिका पांडे। बलरामपुर जिले का सबसे बीहड़ इलाका, जो कभी नक्सलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था, वहाँ अब चाय की खेती की शुरुआत होगी और 12 महीने यहाँ चाय की हरियाली लहलहाएगी। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह 18 साल बाद इस गाँव के दौरे पर पहुंचे और यहाँ की खूबसूरती देखकर उन्होंने ये बात कही। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। जमीन की सतह से काफी ऊंचाई पर बसा यह सीतारामपुर पाट, इसके बगल में लहसुन पाट और जोका पाट है। ये तीनों इलाके काफी ऊंचाई पर बसे हैं और प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिलती है। चारों ओर जंगलों से घिरे होने के कारण नक्सलियों का गढ़ यहाँ बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ विकास की दरकार है। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह सप्तनिक यहाँ पहुँचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। यहाँ के वातावरण को देखकर उन्हें ऊटी, जसपुर और मैनपाट की याद आ गई। बृहस्पति सिंह ने कहा कि यह इलाका अब चाय की खेती के लिए जाना जाएगा और वह खुद इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व इस विभाग से संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और उन्हें यहाँ लेकर आएंगे, जिससे यहाँ चाय की खेती हो सके और न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा बल्कि यह पूरे प्रदेश में जाना जाएगा। तो ये थी बलरामपुर जिले से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।